अच्छा लग चुका था, आपने देख ही लिया मेरा पोछा लग गया था। मैं बाहर वाले कमरे में लगा रही थी, फ़ोन मैंने अंदर वाले कमरे में छोड़ दिया था इसलिए। तो मैं बाहर वाले कमरे में लगा रही थी पोछा, इतना फ़ोन मतलब अंदर ही रह गया था, धैरी के पास लगा रही थी। नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय गुरु जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 15 अगस्त, तो आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज छुट्टी वाला दिन है, मम्मी भी घर पे ही हैं, मम्मी नहाने गई हुई हैं, और लगभग मेरा सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा बर्तन मैंने सब कर लिया है। अब नाश्ते की बारी, अभी मम्मी गई है नहाने, तो वीडियो बनाने के लिए स्पेस ही नहीं था, तो मैं वीडियो स्पेस नहीं था फ़ोन में, तो मैंने फिर रात को सारी मतलब मेरी इंस्टा वीडियोज़ हैं वो मैंने कई सारी मतलब सेव कर रखी जो अच्छी अच्छी हैं, तो वही मैंने सारी डिलीट किए हैं, क्योंकि मेरा ब्लॉग नहीं बन रहा था, वीडियोस नहीं बन रही थी, तो ब्लॉग तो फिर वैसे ही नहीं बनेगा, ब्लॉग वैसे भी बहुत लंबा होता है, तो इस वजह से फिर मैंने उसमें से कई सारी वीडियो डिलीट किया। तो अब जाके थोड़ा फ़ोन मेरा खाली हुआ है, तो अब जाके मेरी कोई अब वीडियो बन रही है, आप देख ही रहे हो, तो उसके लिए सॉरी, 2 दिन से ब्लॉग नहीं आया था, आई एम सॉरी। और कि मतलब जो पतंग उड़ाएगा भाई, वो ध्यान रखना सभी के, किसी को ना आपके वो जो धागा नहीं होता, तो क्या कहते हैं उसे, मान जा पतंग का, उससे ना किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी मेरे पास अभी कल परसों ना एक व्हाट्सएप पे वीडियो आई थी, तो मैंने देखा मतलब कि उसके जो गले में वो धागे से मतलब पता नहीं, अब चाइना का धागा था, वो कांच वाला होगा शायद, मुझे नहीं मालूम, मतलब ये जो लड़के पतंग उड़ाते हैं उन्हीं को मालूम होगा इस चीज़ के बारे में कि वो किस तरह का मान जाता, वो कांच वाला मान जाता, तो उसका ना मतलब तक गला, मैं उस वीडियो को देख के ना चौंक गई थी, मतलब उसका गला कटा हुआ था, मैं अगर हो सका तो शायद वो वीडियो अगर मेरे फोन, उसका ना बहुत गला कट चुका, इतना खून बह रहा है उसका, तो इसलिए ना थोड़ा पतंग ध्यान से उड़ाएं सब, थोड़ा धागा भी मतलब जो मांझा वगैरह होता है वो थोड़ा सही वैसा लेके, किसी को प्रॉब्लम ना हो तुम्हारे पतंग उड़ाने से, बस इतना कहना, सेफ रहें, और किसी को आपकी वजह से प्रॉब्लम हो बस ये सोचें, बाय, मिलते हैं बाद में। तो मैं नहा कर आ गई हूँ, नहा कर आने के बाद ये मैं कर रही थी अपना मेकअप थोड़ी सी रेडी हो रही थी, तो फाउंडेशन और फेयर लवली और फाउंडेशन में मिक्स कर रही हूँ टैप टैप करके। मेरा ब्यूटी ब्लेंडर मिल ही नहीं रहा था, तो फिर मैं हाथ से ही मैंने उसको लगा लिया था, ऐसे ही मैंने कहा कहीं जाना नहीं है, हाथ से ही कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, तो यही मैं टैप टैप करके लगा रही थी, तो मैंने हाथ से ही मेल्ट कर लिया था, तो वही कर रही थी मैं। कान पे और नेट पे मैंने लगाया था फाउंडेशन और क्रीम मिक्स करके ही लगाई थी मैंने, वैसे मैं लगाती नहीं हूँ फेयर लवली और ना फाउंडेशन, रोज़ में तो कोई लगाता ही नहीं होगा, तो मैं नहीं लगाती हूँ वो, बस खाली वीडियो बनानी थी इस वजह से मैंने कहा चल कोई बात नहीं कर लेती हूँ, तो वही कर रही थी मैं जल्दी से नहीं लगाती मेकअप वगैरह जल्दी से, मतलब लिपस्टिक वगैरह तो हाँ मैं लगा लेती हूँ, लिपस्टिक काजल वगैरह तो मैं लगा लेती हूँ, पर रोज़ मैं फेयर लवली वगैरह नहीं लगाती, मुझे पसंद नहीं है, तो ये मैं लगा रही थी लूज़ पाउडर, वाइट वाला जो होता है ना वही लगा रही थी बस खाली। मम्मी कुछ बात कर रही थी तो मम्मी से ही बात कर रही थी मैं, मम्मी बीच बीच में कुछ बोल रही थी तो मैं उनसे बात कर रही थी, मैं दिखा रही थी, मतलब फ़ोन में ज़्यादा वाइट लग रहा है पर इतना वाइट नहीं लग रहा था, तो फ़ोन फिर बाहर से उजाला भी आ रहा था ना फेस पे, ये है लाइनर, तो मैं दिखा रही थी लाइनर है, तो ये मैं लगा रही थी लाइनर, मेरा मस्कारा नहीं था ना तो मैंने इसलिए मस्कारा दिखाया नहीं, वैसे करा था मैंने लाइनर से ही मस्कारा कर लिया था अपने, तो वही मैं लाइनर लगा रही थी, मतलब लाइनर लगा के आँख थोड़ी अच्छी लगती है, तो मैं दिखा रही थी देखा आँख वो वाली और इस आँख में बहुत फ़र्क लग रहा है, ये अच्छी लग रही है आँख, मैं बोल रही थी ये वाली आँख ज़्यादा अच्छी लग रही है, वो बेकार लग रही है, तो मैं वही दिखा रही थी, तो ये मैं कर रही थी थ्रेडिंग पेंसिल या फिर हाँ शायद लाइनर लगा रही थी, हाँ लाइनर लगा रही थी, तो दूसरी वाली आँख में मैं लाइनर लगा रही थी, मैं लग गया था फिर मैं दूसरी आँख में लगा रही थी,
लगा लिया मैंने दोनों आँख में लाइनर। उसके बाद मैंने लगाई है गोल्डन लाइनर। मैं बोल रही थी गोल्डन, बट ये ना आवाज़ शोर ज़्यादा हो रहा था इसलिए मैंने अपनी वैसी वाली वॉइस नहीं डाली। फिर मैंने ऐड आवाज़ किया दोबारा से, मैंने बता रही थी कि लाइनर लगाया गोल्डन, दिख नहीं रहा था फ़ोन में। मैं कह रही हूँ ना बाहर का उजाला ज़्यादा आ रहा था ना, इसलिए तो फेस वाइट वाइट भी लग रहा था, बाकी लाइनर भी नहीं दिख रहा था गोल्डन वाला। मैंने लगाया था थोड़ा थोड़ा, अब दिख रहा है हल्का बहुत, तो गोल्डन लाइनर है वो ही लगा रही थी मैं अपने। तो मतलब लाइनर ना वो जल्दी से यूज़ नहीं करती ना, वो रखा रहता तो वो नीचे एकदम नीचे ही हो जाता है, तो मैं उसको ही निकाल रही थी। लग गया ये, मैं लगा रही थी काजल आँखों में। तो उसके बाद ये मैंने ली थ्रेडिंग पेंसिल, थ्रेडिंग मैं बता रही थी मैं थ्रेडिंग पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ। फ़ोन में देख के लगा भी लो तो, बट दिखता नहीं है ना फ़ोन में, इसलिए तो ये मैंने लगा ली थ्रेडिंग पेंसिल, अच्छी लग रही है। लिप्स पे लिपस्टिक मैंने ग्रीन वाली जो होती है नॉर्मल वो लगाई थी, क्योंकि घर में ही रहना था इसलिए मैंने वो ब्रश वाली नहीं लगाई, ये नॉर्मल वाली लगाई थी, तो वही मैंने लिपस्टिक लगा ली। उसके बाद मैंने लिपस्टिक के ऊपर लगाए थे लूज़ पाउडर, क्योंकि वो ऑयली ऑयली हो रही थी ना, तो इसलिए मैंने लूज़ पाउडर लगाया था। लूज़ पाउडर से थोड़ी वो ठीक हो जाती है। तो ये है मेरा फाइनल लुक, मैंने दिखाया था कि ये मेरा फाइनल लुक है, तो मैं ऐसी लग रही थी कान में इयररिंग वगैरह डाल के। तो मैंने ग्रीन कलर की पैंट पहनी थी और ऑरेंज चुन्नी, वाइट सूट, कान में इयररिंग डाल रखी थी। तो ये मम्मी दाल लगी है, शाम को बना रहे थे हम लोग कचौड़ी। तो आलू बॉईल कर लिया और बॉईल करके छील लिया, और मैंने हरी मिर्च डाली है, 3 हरी मिर्च। उस टाइम क्लिप नहीं ले पाई थी, ये लाल पिसी हुई मिर्च, रेड चिली पाउडर, बस यही डाला था। ये मम्मी अपना मसाला डाल रही है, मतलब काला काला नमक होता है जो वो, और हींग है इसमें, जीरा भुना हुआ जीरा। मम्मी ने मसाला बना रखा है, मतलब टेस्ट आ जाता है तो। और ये मम्मी डाल रही है नॉर्मल नमक, डाल दिया मम्मी ने नमक। ये लाइट चली गई थी इसलिए अंधेरा हो गया था, एकदम से लाइट चली गई थी, बट यही ना मैंने फ़ोन की फ्लैश चला रखी थी इसलिए। आलू मम्मी फोड़ आ गई थी लाइट, उसके बाद थोड़ी देर बाद रवादार आलू तो है ना? मम्मी आलू को मम्मी बोल रही थी कि आलू ना थोड़े से कच्चे रह गए, मतलब मैंने लगाई तो 3 सीटी थी, मम्मी कह रही छोटे छोटे आलू हो गए, बड़े बड़े आलू रह गए। तो मम्मी से वही बात कर वही बोल रही थी मम्मी, पता नहीं मेरे फ़ोन में ये ब्लर ब्लर क्यों दिखा रहा था बैक कैमरा। तो ये मैं दिखा रही मम्मी आलू का भरता बना रही हूँ, कचौड़ी वगैरह का, मतलब वैसे तो खाना मैं बनाती हूँ बट मम्मी तो बोला करते मम्मी आज आप बनाओ, तो आटा वगैरह मैंने पहले ही लगा आटा भी लग चुका है, आलू को वो पिट्ठी बना रही थी तो मैंने आटा पहले ही लगा रखा था। आटे में नमक डाला है बस और कुछ नहीं है, और नॉर्मल आटा जैसे मारते वैसे ही है। तो ऑयल गर्म करने रख दिया था मैंने, कैस्टर ऑयल है, सरसों का तेल, मम्मी ने पूरी वो मतलब कचौरी भेल ली थी, उसके बाद मैं फ्राई कर रही थी। वो मैं डालने की क्लिप भूल गई बनाना, क्योंकि भाभी खड़ी हुई थी, बात बात कर रहे थे हम सब, तो ध्यान नहीं रहा। पता नहीं आटा मेरे से ना थोड़ा ढीला मड़ गया था, इसलिए ना कचौरी ना फूट रही थी, मतलब मैंने आटा थोड़ा पतला कर देते, जैसे मैं रोटी के लिए बनाती हूँ, मैं भूल ही गई थी कि कचौरियाँ बनानी है थोड़ा ठीक आटा रखना है, तो मुझे याद ही नहीं रहा था। मम्मी कह रही आटा पतला हो गया है, तो इसलिए थोड़ी सी कचौरियाँ भी ऐसी बनी थी, तो बन गई थी सारी, बन गई थी लास्ट था ये। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे, जय गुरु जी। तो अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। बाय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मेरा लुक कैसा लग रहा था। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।